अभी कोरोना का दर्द कम नहीं हुआ था, हमारा पड़ोसी चाइना इतना गलत काम किया है कि उसने अपनी जो भोपो मीडिया है उसकी ग्लोबल टाइम्स, मतलब उसको जो देखिए ग्लोबल टाइम्स में वही छपेगा जो सरकार बोलेगी, उसने G7 की जो मीटिंग हुई थी, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि चाइना के खिलाफ किस तरह BBB प्रोग्राम चलाया गया, उससे बौखलाया, इतना खराब कार्टून बनाया, पूरी दुनिया को बुरा लगा होगा ईसाई धर्म के इसमें मतलब कार्टून बना दिया गया है। अब ईसाई धर्म का एक लास्ट सफर, एक बहुत फेमस ये एक आर्ट था लियोनार्डो दी विंची, इसमें ईसा मसीह को लास्ट में यही दिखाया गया कि यहीं पे वो लास्ट में अपने अनुयायियों के साथ भोजन वगैरह कर रहे थे, ये काफी फेमस है ईसाई धर्म के लिए। अब चाइना इसकी तुलना G7 की मीटिंग से किया, अब इसमें उसने क्या किया कि लास्ट सफर का सेम वो लगाया और यहाँ बीच में अमेरिका को बैठाया। हम आपको बताए थे कि अमेरिका ही इसकी अगुवाई कर रहा है जो BBB प्रोग्राम में, जिसमें भारत को भी शामिल करने की बात की गई, अब अमेरिका को बैठाया, इसके बगल में जापान को कुत्ता बना के बैठा दिया, इधर ब्रिटेन को बनाया, कनाडा को, किसको बनाया, फ्रांस वगैरह को, इससे बहस नहीं है, लेकिन भारत को इसने स्टेबल पर नहीं बैठाया, क्योंकि हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि G7 का भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, वो पर्यवेक्षक है, उसमें शामिल होता है। तो देखिए भारत को उसने हाथी का शक्ल दिया और यहां नीचे बैठाया जमीन पर, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी से तुलना किया जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है बट हाथी की तरह धीमे धीमे चलती है, तो इस चोटे ने हाथी का शक्ल दिया। यहां पर हम आपको जूम करके दिखाते हैं, आपका खून खोल जाएगा, देखिए इस हरामीपन को, इसको ये हम जूम करते हैं, इन लोगों के साथ क्या किया, ये इनके देश का मैटर, इनको मुर्गा बनाया, किसी को भालू सियार बनाया, वो अलग मैटर, हमारे देश को देखिए, हमें हाथी से कोई ऐतराज नहीं है, गजराज से हमें, लेकिन इस सुअर के बच्चे ने इस हाथी के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया चाइना और हम लोग का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि हम लोग का ऑक्सीजन घट गया था, हमारे यहाँ कम से कम ज्यादातर लाशें तो केवल ऑक्सीजन की कमी से मरी है, यहाँ पर अब ऑक्सीजन विदेशों से मंगाना पड़ा, ऐसे ऐसे देश ऑक्सीजन दिए यहाँ पे, हम लोग को उम्मीद नहीं थी, तो ये मजाक उड़ा रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर, यहाँ एक सलाइन चढ़ा रहा है, ये गंगा जल को दिखा रहा है और यहाँ पर एक और सलाइन चढ़ रहा है। अब इसमें अगर ध्यान से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आप नेट से इसको लास्ट सफर इमेज ऑफ कोरोना ग्लोबल टाइम्स लिखेंगे तो आएगा, इसमें गाय का फोटो है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, गौमूत्र दिखा रहा है। और जब हरामीपन कर भारत में हिंदू की आस्था है, ज्यादातर मेजोरिटी यहाँ है, वो गौमूत्र कोई प्यास बुझाने के लिए नहीं पूछते, उनका उनकी आस्था है किसी के में उसमें नहीं जाना चाहिए, इससे सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। अब यहाँ गंगा जल चढ़ा रहा है, अरे भाई साहब हमारे यहाँ आस्था है, कोई गंगा जल में विश्वास करता है तो कोई आबे जमजम में विश्वास करता है, तो इस तरह का मजाक, वो भी वो देश जो कोरोना फैलाया पूरी दुनिया में, उस हरामी के बच्चे ने दिखाया कि इस तरह की मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है चाइना को। उसकी सरकारी मीडिया इतना हिम्मत कर सकती है क्योंकि चीन की मीडिया जो लिखती है वो ये माना जाता है कि चीन की सरकार के कहने पे लिखी है, क्योंकि वहां मीडिया का पूरा कंट्रोल है, लेकिन भारत की मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन इनको आपस में लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है, अकलेल बकलेल को दुगो को बैठा के आपस में लड़वाएगा सब।